तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी डिवाइस जो है 90 हर्ट्ज पे जो है वर्क करता है तो यहाँ पे स्मूथ जो है स्क्रॉलिंग आपको देखने को मिल जाती है। काफी स्मूथ तरीके से आपको यहाँ पे सारे फंक्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं बात करने वाला हूँ आप अपने रियलमी डिवाइस में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को कैसे इनेबल कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को इनेबल करते हैं तो इसका जो स्क्रॉलिंग जो स्पीड होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपको इनहेंस देखने को मिलता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर आप भी यहां पे अपने डिवाइस में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को जो है इनेबल करना चाहते हैं तो पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, यहां पे अगर आपको अच्छा मतलब यहां पे जो स्क्रॉलिंग स्पीड होती है, मतलब रिफ्रेश रेट जितना अच्छा रहेगा, जितना आप यहां पे गेम प्ले करते हैं या फिर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं या फिर आप यहाँ पे इंटरनेट को सर्फिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्क्रॉलिंग स्पीड होती है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो कैसे आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को आपको इनेबल करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस फीचर को इनेबल करने से पहले आपका ये डिवाइस भी जो है सपोर्टेबल होना चाहिए, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करना चाहिए, तो ही आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो जिन भी यूजर्स के डिवाइस में ये सेटिंग्स अगर अवेलेबल होंगी तो आप आराम से जो है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, ये देख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इस ऑप्शन को जो है सिंपली इनेबल कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो नीचे की साइड में आना है, आपको यहां पे मिल जाता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, सिंपली इस पे टैप करना है। तो यहां पे दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक हाई मिल जाएगा, स्टैंडर्ड मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहां पे तीसरा ऑप्शन है जो कि ऑटो सिलेक्ट का है, मतलब अगर आप ऑटो सिलेक्ट पे टैप करते हैं तो यहां पे आपका डिवाइस की जो स्क्रीन की जितने भी फंक्शन प्रोग्रामिंग है वो अपने अकॉर्डिंग जो एडजस्ट कर लेगी ऑटो पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, मींस यहां पे जो है 60 हर्ट्ज पे रखना चाहते हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं, लेकिन 60 हर्ट्ज में जो आपकी बैटरी जो है वो काफी ठीक होती है, मतलब बैटरी जल्दी आपकी ड्रेन नहीं होती है। लेकिन जो है जो ऑपरेशन आप 90 हर्ट्ज पे करते हैं, जितना भी स्मूथ अच्छे से चलता है, तो वहां पे जो बैटरी का ड्यूरेशन भी होता है वो भी थोड़ा लाइफ कम होता है, लेकिन फिर भी भाई आपको स्मूथनेस जो है देखने को मिल जाती है। फिलहाल देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहां पे 90 हर्ट्ज पे जो है सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहां पे आपको 90 हर्ट्ज मिल जाता है। तो आप 90 हर्ट्ज पे जो है सिंपली टैप कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ऑटो पे अगर आप करते हैं तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिक जो अपने अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है यहां पे जो है एडजस्ट कर लेगा 60 हर्ट्ज एंड 90 हर्ट्ज को, जहां पे उसको स्पीड 90 हर्ट्ज की सही होगी वो ऑटोमेटिक जो है 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगा, जहां 60 हर्ट्ज की स्पीड सही होगी वहां ऑटो पे करने पे जो है यहां पे आपको 60 हर्ट्ज पे जो है यहां पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बट फिलहाल हमने 90 हर्ट्ज यहां पे मैनुअल जो है यहां पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमारा डिवाइस ऑल ओवर जो है 90 हर्ट्ज पे ही वर्क करने वाला है। तो यहां पे अगर आपको इस फीचर को इनेबल करना है तो यहां पे आप डिस्प्ले की स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे आके इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो काफी अच्छा यहां पे आपको ये फीचर मिलता है। यहां पे जैसे आप इस फीचर को इनेबल करते हैं तो आपका डिवाइस ना काफी अच्छे से वर्क करता है, आप कोई भी फीचर एंड फंक्शन ओपन करते हैं तो काफी अच्छे से मतलब स्मूथ तरीके से चलता है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं फिलहाल मैं अगर कोई भी फंक्शन ओपन करता हूं तो यहाँ पे काफी स्मूथ तरीके से जो है डिवाइस की परफॉर्मेंस मतलब देखने को मिलती है और काफी अच्छे तरीके से वर्केबल ट्रिक होने वाली है। तो होपली आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस कर लिया, कैसे आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को अपने डिवाइस में जो है इनेबल करना है। तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को आप जरूर से शेयर कर लीजिएगा अपने जो है दोस्तों के पास, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सारी चीज पे, ठीक है। तो होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।